शासन की मंशा के अनुरूप आम जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण सामूहिक पेयजल योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की टंकी का निर्माण करवाया जा रहा है। आपको बता दें, वाटर लाइन बिछाने के लिए गांवों में बनी सड़कों, खरंजियों MRCC को ठेकेदार द्वारा खोद डाली गई और जिससे आवागमन में लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। वाहन ही नहीं, पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। पाइपलाइन बिछाने वाली कंपनी की लापरवाही के चलते ग्राम बरखेड़ा के रास्ते जहां बद से बदतर हो गए हैं, वहीं ग्राम पंचायत द्वारा बनाए गए RCC रोडों का सत्यानाश हो गया और खर्च किया गया धन का एक तरह से अपव्यय हो गया है। विकासखंड सरीला क्षेत्र के ग्राम बरखेड़ा में ठेकेदार द्वारा पाइपलाइन बिछाने के लिए गांव की सड़क को JCB के द्वारा खुदाई की गई थी। खुदाई करने के बावजूद ना तो पाइपलाइन बिछाई गई। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में बन रही टंकी के नलकूप में पानी खारा निकला। जब यह बात ठेकेदार को पता चली तो ठेकेदार ने काम बंद करा दिया था। बारिश के बाद से खुदी सड़कें जो गड्ढों में तब्दील है, कीचड़ व फिसलन युक्त हो रही है, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। यहाँ पर 4 माह पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क खोदी गई थी। आपका? मेरा नाम लल्लू है। कहाँ के निवासी हो? ग्राम बरखेड़ा। क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है साहब कि ये जो रोड खुदा है पाइपलाइन के लिए खुदा था, कोई सुनाई नहीं हुई और ये गंदगी पैदा हो गई। ये कि पानी बह रहा है पहाड़ों का, तो यहाँ पे मतलब पूरे रास्ता में फैल के चल रहा है और बीमारी फैल रही है उससे, डेंगू वगैरह से। और न कोई पैप पड़े जब से, न कोच साफ सब ऐसी पड़ा है। और रात में हम लोगों को चलने फिरने में दिक्कत होती है, कहीं गिर पड़ते हैं चपेटा लेके। ऊंचा खाली सब पड़ा है, मौके में उसको मतलब आपको देखा जाए गौर करके कि हाँ क्या है क्या नहीं। इसकी शिकायत किसी अधिकारी को की है? नहीं, अधिकारी से जब यहाँ कोई अधिकारी नहीं आए तो अब किसी कहा, जो कोई यहाँ आएगा तो बताएंगे। पाइपलाइन ना पड़ने से पूरी रास्ता में कीचड़ और खारा पानी वहाँ टंकी में फैल करके, और सभी जो पैप यहाँ आए थे वो भी मतलब चले गए उठ के यहाँ से। न यहाँ कोई व्यवस्था हुई, न कुछ बढ़ा। और कीचड़ में हम लोग परेशान है, निंगरे हैं, रात बिरात वहाँ गिर भी पड़ते हैं, पैर रिपट जाता है, पैर फिसल जाता है, बूढ़े आदमी, और उससे मच्छरों की मतलब डेंगू की बीमारी आ रही बच्चों को। ना जाने आदमी भी अभी दिखा के आए हैं, यहाँ सोचते हैं कि कोई आवे तो उनसे कहें सुनाए, और यहाँ कोई सुनाई नहीं, और यहाँ ना कोई सुनाई है ना कोई कहीं कोई पछे साहब। सीताराम है और बढ़िया थी मसा चबाद खाद ज्या खबुआ उनका करन मजबूर। आपका बाबू धरमदास निवासी बैठे? क्या दिक्कत है साहब? यही दिक्कत थी कि यहाँ जब पाइपलाइन खुलवाई गई थी तो यहाँ पाइप लगे, यहाँ गंदगी है, बहुत पानी बह रहा है गंदा, और हम निकलते चलते हमको दिखाता नहीं है, कभी पैर हमको गंदे में पड़ जाता है, कभी गड्ढों में पड़ जाता है, ऐसा हम गिर पड़ती हैं। मतलब कि पाइपलाइन डली है तो पाइप नहीं डले हैं क्या? पाइप डले ऐसे कुछ नहीं हुआ साहब, खोद के चले गए, बड़े बड़े ढेमा डले उनके सीमेंट के लिए, गिट्टी के खड़ी गिर चुकी है, और एक रिक्शा भी उलट गया तो उनके हाथ पैर टूट गए हैं। क्या करें साहब, ऐसे गड्ढा है कि तुम आप देख लें तो आप कहोगे कि नहीं सच है। अब साहब हम क्या करें, हम तो देहाती हैं, पूरे गांव में यही दशा है, एक खोर में नहीं सब खोरों में यही दशा है। आप घूम जाओ, निकलने की जगह नहीं है, क्या करें, बिल्कुल हम तो मजबूर हैं।